हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर रूबी स्टैंड प्लेस। और मैं हूँ रूबी और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से फ्लिपकार्ट साड़ी हॉल। तो आई होप आप लोगों को अगला वाला जो मैंने वीडियो डाला था फ्लिपकार्ट साड़ी हॉल का, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जो है फ्लिपकार्ट साड़ी हॉल लेके आई हूँ। तो इस बार मैंने एक ही साड़ी मंगाई है, वो भी सिल्क की है। तो चलिए बिना ज्यादा बात के जो है वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे फटाफट सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बाहर से कुछ ऐसी पैकेजिंग थी हमारी साड़ी की जो है, और मैंने इसे खोल के देख लिया है। तो अंदर से दिखाती हूँ आप लोगों को। अंदर से कुछ ऐसा है, इसका भी मैंने प्लास्टिक निकाल लिया है। और यह है उसका कैटलॉग, ये है कांजीवरम आर्ट सिल्क साड़ी है। तो आप मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही हमारी साड़ी, मैंने इसे पिंक और ग्रीन शेड में मंगाया है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, रेड ग्रीन फिर ब्लू पिंक, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप लोग जो चाहिए आप लोग देख लीजिएगा। तो पूरी साड़ी में ऐसे जो छोटे 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 बूंदे बने गए हैं, जरी वर्क है ये। और ये जो हमारा बॉर्डर है पूरा जरी वर्क है, आप लोग देख सकते हैं काफी सुंदर बॉर्डर है। देखिए इस तरीके से सारे बॉर्डर इस तरीके से बने हुए हैं। और कलर इसका बहुत ही अच्छा पिंक वाला कलर है, आप लोग देख ही सकते हैं। और हम इसकी मटेरियल की बात कर ले तो मटेरियल इसका काफी सॉफ्ट है, आप लोग देख सकते हैं एकदम। जब हम इस साड़ी को वेयर करेंगे तो हमें कोई भी मतलब मुश्किल नहीं होगी, प्लेट्स वगैरह बनाने में आसानी से बन जाएगी और काफी सॉफ्ट साड़ी है। ये है जो साड़ी का आंचल ग्रीन शेड में है, जिस तरीके से बॉर्डर ग्रीन है उसी को देखते हुए यहाँ पे ग्रीन और गोल्डन का जो है हमारा आंचल दिया हुआ है। और ब्लाउज की बात कर ले हम, ये हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज पे काफी वर्क किया गया है, पूरा भरा भरा ब्लाउज है, पूरा जरी वर्क किया गया है। आप लोग को पीछे से दिखा है पूरा जरी वर्क है, लेकिन फिनिशिंग इतनी अच्छी दी गई है कि कुछ भी फंसने वसने का डर नहीं है, एकदम फिनिशिंग अच्छी दी गई है। देखिए ये जो हमारा पीछे साइड से जो साड़ी है जरी वर्क है, देख सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को मैं पूरी साड़ी दिखा देती हूँ किस तरीके से वर्क दिया गया है। पूरी भरी हुई साड़ी है हमारी, थोड़ा सा भी कहीं भी प्लेन नहीं है, पूरा भरी हुई साड़ी है। बहुत ही अच्छा लुक आएगा अगर आप इसे किसी पार्टी में या फिर दुर्गा पूजा रहे, दुर्गा पूजा में अगर आप इसको जो है बंगाली स्टाइल में वेयर करें तभी भी ये बहुत अच्छा, क्योंकि इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है। इसी तरीके का बॉर्डर जो है बंगाली साड़ी में भी रहता है, चौड़ा बॉर्डर, तो बंगाली में भी बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। और हाँ, इस साड़ी की लेंथ की हम बात कर ले तो लेंथ इसमें दी गई है 5.5 मीटर जो साड़ी है, अलग से जो है 80 सेंटीमीटर इसमें ब्लाउज दिया गया है। तो ऑलमोस्ट साड़ी की जो लेंथ है इतनी ही रहती है, अच्छी वाली लेंथ। तो इसको पहनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को, ये साड़ी छोटी नहीं होने वाली है, तो लेंथ भी इसकी अच्छी है। तो मेरी तरफ से तो आप इस साड़ी के लिए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा साड़ी है। मैं आप लोगों को वेयर करके बगल में दिखा दूंगी कि कैसी लग रही हूं मैं, और लिंक भी आप लोगों को डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं जो स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी कि कितने का है, ये भी जो है हमारे इसकी प्राइस की बात कर ले तो ये भी जो साड़ी है 1169 ऐसे कुछ है कि 80 रुपीज ऐसे ही कुछ है, मतलब 1200 के अंदर ही है। और 1200 में इतनी अच्छी सिल्क की साड़ी मार्केट में तो नहीं मिल सकती है।
तो आप लोग अगर परचेस करना चाहें तो जाके कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगी। तो आज के लिए तो जो है बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, सी यू सून।